हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल व्यू दूंगी एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट का जो कि पंचकुला से भी आगे पिंजौर में बना हुआ है। लेकिन उससे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन दियों की तरह ही आप सबकी ज़िंदगी भी हमेशा रोशन रहे, कभी कोई मुश्किल ना आए, और अगर आए भी तो नेचर आपको उसे स्ट्रांगली फेस करने की स्ट्रेंथ दे। इंस्टा पे लगातार पूछा जा रहा था दिवाली व्लॉग के बारे में, तो उसकी कुछ झलकियों के बाद चलते हैं चोखी धानी। दिवाली की तैयारियां काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाती हैं, जिसमें दिवाली क्लीनिंग और शॉपिंग की वजह से शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। और दिवाली से दो दिन पहले विद गिफ्ट्स हम शुरू कर देते हैं अपने नियर्स एंड डियर्स को विश करना। रंगोली इस बार मैंने नहीं बनाई है बिकॉज ऑफ स्टफ़ी। दिवाली के दिन लंच में बनाया था शाही पनीर, पालक राइस एंड दही वड़ा। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, पूरा देश इस वक्त जगमग कर रहा होता है, लेकिन फायरवर्क्स यानी कि पटाखे, बेहिसाब पोल्यूशन और उनकी तेज़ आवाज़ एनिमल्स को बहुत दिक्कत करती है। स्टफ़ी पूरा टाइम टेबल के नीचे डर के ही बैठा रहा एंड इट वॉज पेनफुल फॉर अस। प्लीज़ गाइज, इको फ्रेंडली दिवाली ही मनाएं। आज ही के दिन उदय का बर्थडे भी था। चलो तो तुम्हारे बर्थडे का केक काटें। Yes, let's go. इसका बर्थडे किसी ना किसी स्पेशल डे पे ही आता है। लास्ट ईयर करवा चौथ पे था और इस बार दिवाली पे, लेकिन वो चाहता है कि उसका बर्थडे किसी फेस्टिवल पे ना आए क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं और वो ठीक से इंजॉय नहीं कर पाता। लेकिन हमने कहा कि देखो, तुम्हारा बर्थडे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो बस हर बार की तरह इस बार की दिवाली भी हमने बहुत सारे दियों को रोशन करके और पूरे परिवार ने मिलके पूजा करके ही मनाई। जिंदगी हर पल एक नया रंग दिखाती हुई चलती है। जो स्क्रिप्ट हम अपने लिए लिखते हैं उसमें सब पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेचर ने स्क्रिप्ट लिखते वक्त नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बैलेंस किया है। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बस याद रखें कि हर रात की एक सुबह होती है और उस सुबह का इंतज़ार करते हुए इस फेस्टिवल को विद फैमिली खुशियों से मनाएं। अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। हम लोग देखेंगे पंजाबी मूवी, यानी कि हम लोग कौन, मैं, मम्मा, जैस्मिन एंड मिस्टर कुलदीप, और हाउसफुल 4 देखने जा रहा है उदय एंड विशाल। तो अभी हम वेट कर रहे हैं विशाल की, वो जैसे ही आता है हम निकलेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है चोखी धानी का, जो कि है पंचकुला के बिल्कुल पास। बनाया है हमने ट्रिप चोखी धानी का। मिस्टर कुलदीप सिंह जी की स्माइल बहुत कीमती है, ये इतना संभाल के रखते हैं उसको। प्लीज सर स्माइल करें। नहीं सर, ये तो आर्टिफिशियल थी, ओरिजिनल वाली चाहिए मुझे। या ये ठीक थी, ये ओरिजिनल वाली थी। बस्कर मैडोना, बस्कर मैडोना क्या हो गया इसमें, मैं गाना गा रही हूँ। नो नो, इसे नो पता लग गया पूरा। नो बेबी, आप यहीं रहोगे, पापा को तंग नहीं करना। बाय स्टफू, बाय। खड़ा के गन दे टीडीओ मत मेनू पत मान दे, जाने की तेरी खड़ा के गन दे टीडीओ मत मेनू पत मान दे। हमारी मूवी हो गई खत्म, लेकिन हाउसफुल 4 अभी खत्म नहीं हुई है, तो हम वेट करेंगे अभी उनका बाहर। इधर कैसी थी? बहुत सही थी, मेरे को तो बहुत मजा आया। अभी कैसी लगी? PVR घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मूवी के बाद हम लोग घर वापस आए। पापा के लिए डिनर भी बनाना था और हमने भी सोचा कि चाय पी के ही निकलते हैं। पापा आउटिंग पे रेयरली ही चलते हैं, हम पूछते हैं तो कहते हैं कि आर्मी के टाइम पे उन्होंने पूरी दुनिया घूम रखी है, सो आप लोग घूमाओ। सब्जी मैं जाते वक्त बना के ही गई थी, तो बस अब चपातियाँ लगा रही हूँ पापा के डिनर के लिए, क्योंकि रात को हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, तो स्टफ़ी का खाना भी मैं रख के जा रही हूँ और साथ ही ब्रूनो को भी खाना दे के जा रहे हैं। जब ग्रीन लाइट होता है तो भैंसों को नहीं चलना चाहिए, दे शुड नो द ट्रैफिक, रेड लाइट ले दो, उनके लिए रेड लाइट है चलने का पॉइंट। गड्डी ते लिखा है परे खजाने साहिब दे नीमा होके लुट। इतना लंबा सफर है, 40 किलोमीटर दूर जाना है और इतना लंबा सफर है, फिर कहते हैं हमने गोवा जाना है, हमने मसूरी जाना है, हमने मनाली जाना है। गोवा तो जड़ी है ट्रेन है, उन्हें जाना है, ये तो सुते जाएंगे। इसका ना गोवा ट्रिप जा रहा है फेब में, और मुझे इतना पता है कि यहाँ से सोएगी और गोवा जाके उठेगी। तेरे नाल गुड़ियां परिता ने मैं पाई सगन छोड़ी।
चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पे शिमला कालका हाईवे पे है चोखी ढाणी और वहाँ जो रौनक होती है वो रात को ही होती है। एक घंटे की ड्राइव थी, 5:30 चले थे और अराउंड 6:30 पहुँच गए। आप कभी प्रोग्राम बनाएं तो इस तरह से बनाएं कि शाम को 6 बजे तक वहाँ पे पहुँच ही जाएं। गाड़ी से उतरते ही मुंह से एक ही सेंटेंस निकला, वाओ व्हाट अ प्लेस। सीरियसली गाइस, बहुत ही सुंदर जगह है। प्योरली राजस्थान का कल्चर। एंट्री पे सबका वेलकम तिलक लगा के किया जा रहा था और ये चीज़ राजस्थान के लोगों की मेहमान नवाजी शो करती है। एंट्री टिकट पर पर्सन 700 रुपीज़ है और छोटे बच्चों की 450, जिसमें घूमना फिरना खाना पीना सब इंक्लूडेड है। शुरुआत में देखने को मिली राजस्थान की कुछ स्पेशल चीज़ें जिन्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब डिफरेंट कल्चर को देखते और जानते वक्त हम अपना नज़रिया पॉजिटिव रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट दिल को छू जाता है। हर चीज़ में राजस्थान का कल्चर झलक रहा था और हर तरफ से गीत और संगीत की आवाज़ों का आना मन को एक अजीब सा सुकून भी दे रहा था। मम्मा हाय। बहुत बढ़िया। हाय मम्मा। हाय। इन्होंने तो पूरा राजस्थानी लाके बसा दिया है ना, ईच एंड एवरीथिंग। मंदिर भी बनाया हुआ है बीच में, मतलब आप राजस्थान की झलकियां देख सकते हैं। स्टैचूज काफी ब्यूटीफुली बनाए गए थे और बहुत ओरिजिनल लुक दे रहे थे। खाने पीने की शुरुआत हुई वेलकम ड्रिंक्स के साथ जिसमें था जलजीरा। कैसा लगा? तो गिर जाएगी जैस्मिन, गिर जाएगी बेटा। ओह शिट, मैं खुद जाऊंगी। Oh my God. Good. घूमते घूमते अगर भूख लग जाए तो आप स्नैक्स ले सकते हैं जिसमें थे नूडल्स एंड पकौड़े। राम राम, नमस्कार कर लो।
सच्चा है बन के तैयार। एक बच्चे तो इंजॉय करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है जो उनको बोर नहीं होने देगा। ये शिकार करके उधर देखो, उधर देखो भूख लगी है ना। हाँ। वो देख शिकार शिकार गया। रात के 9 बजने वाले थे और हम पहुंच गए डाइनिंग हॉल। एंटर करने से पहले फुटवेयर बाहर उतारने पड़ेंगे और टैप की बजाय एक बर्तन से पानी लेके हैंड वॉश करने होंगे, जो गांव की याद दिलाता है। डाइनिंग हॉल बहुत ही खूबसूरत था। डाइनिंग टेबल की जगह पे छोटे छोटे टेबल्स, या जिन्हें आप पीढ़ा भी कह सकते हैं, उनके ऊपर सजी हुई थालियाँ जिनमें अचार, पापड़, सैलेड वगैरह पहले से ही रखा हुआ था। बैठने के लिए सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल थी, और वैसे भी ये पोस्चर खाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले हमें लस्सी सर्व की गई और साथ ही वेराइटी ऑफ फूड, जिसमें कड़ी, दाल बाटी, मटर पनीर के अलावा 2 डिशेज और थी। रोटी में व्हीट रोटी के साथ बाजरे की रोटी जिसपे देसी घी डाल के दिया जा रहा था। इतनी मेहमान नवाजी हुई कि लगा मानो किन्हीं प्योर हार्टेड लोगों के घर में गेस्ट बन के आ गए हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए कुछ छोटी छोटी शॉप्स थी। तो क्या लेके जाएंगे, यहाँ गए थे वहाँ। ये सेठ साहब हैं राजस्थान के। मैंने तो पापा की बंदूक नहीं हाथ लगाई।
नहीं मुझे नहीं लगाना भैया, कोई पेन को हाथ नहीं लगाना, किसी आईफोन को हाथ नहीं लगाना। क्या कर रहे हो यार? वो छिपकली कितने में है? छिपकली फ्री में है। फ्री में? अच्छा। लिटल शॉपिंग, लिटल, वेरी लिटल शॉपिंग। हेलो भैया, भैया कहाँ जा रहे हो आप? मैं सोच रही हूँ जोधपुर निकल जाती हूँ। मन तो नहीं कर रहा था लेकिन वापस घर तो जाना ही पड़ेगा। तकरीबन पूरा दिन बाहर ही थे लेकिन फिर भी कोई थकावट फील नहीं हुई, उल्टा फ्रेश फील हो रहा था। आपके कमेंट्स के वेट के साथ एंड करती हूँ इस व्लॉग का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।